हेलो गर्लीज, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू मेकअप सीरीज। स्टेप मैं भूल चुकी हूँ, शायद 7th या 8th होगा। तो हमने मेकअप बेस बना लिया है, ब्रॉन्जिंग कर ली है, कंटूरिंग भी कर ली है थोड़ी सी नोज पे। तो आज की वीडियो में हम आईज को कवर करेंगे। आईज में हमारी आएंगी ब्रोज, हम आई शेडो, आई लाइनर, मस्कारा, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईब्रोज की। तो आईब्रोज का क्या होता है कि आपके आजकल आईब्रो फिलर्स आ रहे हैं, आप लिक्विड फॉर्म में, जेल फॉर्म में कैसे भी कर सकते हैं। बट मैंने स्पेशली कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रखा है, एक स्विस ब्यूटी का खरीदा था बट वो मैच नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि मेरे पास ये आई शेडो पैलेट है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट आई शेडो पैलेट है। और इसमें जो ये कलर है डार्क ब्राउन, आप देख सकते हैं ये वाला जो डार्क ब्राउन कलर है, इसको मैं यूज कर लेती हूँ अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यही स्टेप दिखा देती हूँ कि ये वाला शेड मैं लूंगी अपने इस ब्रश पे इस तरीके से, और यहाँ पे हल्के हैंड से इसको इस तरीके से अप्लाई कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा आईशैडो से अपनी आईब्रो को फिल कर लिया है, और अब मैं इसकी ब्रश की हेल्प से इस तरीके से इनको कॉम करूंगी तो ये थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा। तो आईब्रोज का पार्ट हो गया है डन। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी अपनी लैशेस को कर्ल करने के लिए लैशेस कर्लर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो ना भी करें। लैशेस को मैंने कर्ल कर लिया है। तो गाइज, अब आता है हमारा आई शेडो पार्ट। पैलेट्स आती हैं कुछ इस टाइप की, जो मैंने आपको पहले दिखाई ये वाली मेरी फेवरेट है। कुछ ग्लिटर पैलेट्स भी आती हैं अगर आप फेस्टिव मेकअप करना चाहते हैं या किसी फंक्शन पार्टी मेकअप करना चाहते हैं। इस टाइप की बोल्ड वाली आती हैं जिसमें आपको सारे ब्राइट्स कलर मिल जाएंगे। और कुछ ये छोटी पैलेट आती है जो आप डेली वेयर के लिए ले सकते हैं, अगर आप जैसे ब्राउन टोन में करना चाह रहे हैं कोई मेकअप, या न्यूट्रल मेकअप करना पसंद करते हैं तो ये वाले टाइप की आती है। सिंगल टाइप के पॉट्स में भी आते हैं, आप इस टाइप के पॉट्स भी ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, आप कोई भी। मैंने ये ब्लू कलर का लिया हुआ है। मार्केट में ये लिक्विड वाले भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, आप लिक्विड फॉर्म में आते हैं, ये इजी टू अप्लाई है। क्रियॉन फॉर्म में भी आते हैं, आपके लाइनर फॉर्म में आते हैं, पॉट फॉर्म में आते हैं। आई शेडोज का आजकल कोई लिमिट नहीं है गाइस, क्रीम फॉर्म में भी आते हैं। कुछ टिंट आती हैं ऐसी जो आपके चीक और लिप्स और आईज के लिए टिंट भी आ रही हैं, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको मल्टी यूज हो जाए। आप अपने यूसेज के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदें। अगर आप बहुत कम लगाते हैं ना तो फेस टिंट्स आती हैं, लिप टिंट और चीक टिंट्स, उनको भी अपने आईज पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई हाइलाइटर पड़ा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं। डेली में तो बहुत लाइट लगाते हैं कुछ लोग, और पार्टी मेकअप वगैरह अगर करते हैं तो एक दो खरीद लीजिए, अगर नहीं जाते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको शेड यूज करके दिखा देती हूँ ये वाला। थोड़ा सा लाइट हैंड से मैं अपनी फिंगर पे लूंगी इस टाइप से, थोड़ा सा गोल्डन टाइप का कलर है, और इसको मैं थोड़ा सा अपनी आईज पर इस तरीके से अप्लाई करना स्टार्ट करूंगी। सेंटर से आप अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। बहुत लाइट हैंड से लगाना है और बहुत लिटिल प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि आईज पे बहुत कम प्रोडक्ट ही बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। ज़्यादा लेंगे तो वो ज़्यादा दिखेगा। ये थोड़ा सा एक मेटालिक कलर है जो मैंने लिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना नेचुरल सा एक शीन आ रहा है। ये गोल्डन हिंट में है, ऐसे पिंक हिंट में भी आते हैं, कुछ शेड सिल्वर हिंट में भी आते हैं। तो ये शेड ऐसा है कि आप इसको डेली में यूज कर सकते हैं। अगर आप लाइट शेड लगाते हैं तो आपकी आईज थोड़ी सी बड़ी भी दिखती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि किस टाइप का ये लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। आप इसको कॉलेज ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और थोड़ा फेस्टिवल जोन में भी यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसमें यूज करूंगी वाला शेड, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ कि इसको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। और अपनी क्रीज लाइन पे इसको इस तरीके से
गाइस देख सकते हैं आप, इस टाइप से मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ आई शेडोज लगाना, मुझे इस टाइप से काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं आईज कितनी डिफरेंट लग रही हैं अभी। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा काजल। लोग प्रेफर करते हैं काला काजल लगाना, ब्राउन काजल लगाना, बट मेरी फेवरेट ये न्यूड काजल हो रखी है। ये बहुत अच्छी लगती है और इससे आपकी आईज थोड़ी ओपन लगती हैं। ये हमारा डेली वेयर के लिए मुझे अच्छा लगता है, ऑफिस कॉलेज कैरी करने के लिए। काफ़ी अच्छा है ऑप्शन ये। आप अगर ब्लैक या ब्राउन काजल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एक न्यूड काजल में या लाइनर में इन्वेस्ट कीजिए, ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ब्रांड्स में अवेलेबल भी है। तो ये था नेक्स्ट। नेक्स्ट है टाइट लाइन करना। ये स्टेप मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपकी आइज़ को एक शेप मिल जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने लाइनर मस्कारा कुछ नहीं लगाया, मैं दोनों आइज़ में आपको भी डिफरेंस दिखाऊंगी। आपने क्या करना है कि तो इस तरीके से आपने टाइट लाइन करना है। अब आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, आप इनर कॉर्नर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस पता चलेगा। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है, इससे भी आपकी आईज जो है वो अच्छी एक शेप में दिखती है। अब आप ये और ये आई में डिफरेंस देख पा रहे होंगे। स्टेप होता है हमारा लाइनर। लाइनर में क्या है कि लाइनर्स में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो सबको कॉमन है बहुत ज़्यादा। लिक्विड है, पेन वाला है, जेल वाला है, और उसमें भी वैरायटी ऑफ कलर्स है कि होलोग्राफिक लाइनर्स आ गए हैं हमारे पास, लिक्विड में भी आ गए हैं, अलग अलग फिनिश में, मैट में, ग्लॉसी में, बहुत सारे आते हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना लाइनर लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी दो आईलाइनर है, एक ब्लैक है पेन वाला, एक ये स्विस ब्यूटी का होलोग्राफिक है। तो जो बेसिकली मैं डेली में यूज़ करना पसंद करती हूँ वो ब्लैक आईलाइनर लगाना पसंद करती हूँ, और मूड होता है तो कलरफुल भी लगा लेती हूँ। तो मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का है ब्लैक आईलाइनर और ये बहुत अच्छा है, स्मच प्रूफ है, वाटरप्रूफ है। तो आज मैं आपको यही लगा के दिखाना चाहती हूँ। आप चाहें तो बोल्ड आईलाइनर लगा सकते हैं, विंड आईलाइनर लगा सकते हैं, सिंपल एक पतली सी लाइन लगा सकते हैं। जैसे आपका मन करे आईलाइनर आप वैसे लगा लीजिए, जो आपके फेस पे आपको अच्छा लगता हो वैसे लगा लीजिए। इसमें आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। मुझे इस टाइप से विंड आईलाइनर लगाना पसंद है तो मैंने आईलाइनर लगा लिया है। तो इसके बाद जो लास्ट स्टेप बचा है वो है मस्कारा। मस्कारा में भी दो टाइप हैं, आप वाटरप्रूफ ले सकते हैं और नॉन वाटरप्रूफ भी ले सकते हैं। डेली के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि नॉन वाटरप्रूफ लें, क्योंकि कुछ मस्कारे वाटरप्रूफ वाले इतने ज्यादा हार्श हो जाते हैं कि उनको हटाने में हमारी लैशेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो डेली वियर में जो आप नॉन वाटरप्रूफ वाले भी मस्कारा लेंगे ना, वो इजिली नहीं हटता है, वो स्वेट प्रूफ होता है और वो इतनी जल्दी नहीं बहता है। तो मेरी चॉइस रहती है कि मैं नॉन वाटरप्रूफ लूँ, लेकिन अगर मुझे किसी एक दो मैंने वाटरप्रूफ भी ले रखे हैं, अगर मुझे किसी वेडिंग वगैरह में जाना है तो मैं तब यूज़ करती हूँ। बट डेली में मैं यूज़ कर लेती हूँ ये, जैसे मेबलिन का है मेरे पास, इनका हाइपरकल, ये इनका काफ़ी अच्छा है, ये मेरी सेकेंड बॉटल है इनकी। तो डेली के लिए मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है। और मस्कारा के हमेशा मैं दो कोट लगाती हूँ, अपर लैश लाइन पे, और सिंगल कोट लगाती हूँ लोअर लैश लाइन पे। दो तीन सेकंड का वेट करती हूँ और फिर मैं लगाती हूँ अपना सेकंड कोट। तो गाइज ये था फाइनल स्टेप मेरा आईज का। तो आप देख सकते हैं आईज पे कितना डिफरेंस आया है ये सारे स्टेप्स करने के बाद। इसमें आप एक दो स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे से सजेशन लेंगे तो डेली वेयर में ना आप मस्कारा वेयर करो, खाली मस्कारा वेयर करो, ना लाइनर लगाओ चाहे तो, ना न्यूड पेंसिल लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, आई शेडो भी मत लगाओ। बट अगर आप खाली मस्कारा भी लगाते हो ना तो भी बहुत अच्छी लगती हैं आपकी आईज। और वाटरप्रूफ मत लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंड ऑफ द डे हटाने में प्रॉब्लम करता है। तो डेली वेयर में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप ये इस टाइप का इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और बहुत सारे और मस्कारे आते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने अपनी आईज को कवर किया और आप देख सकते हैं डिफरेंस। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।